गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का अपना विषय कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। राज्य के प्रशासन में सुरक्षा और वैदेशिक संबंधों के संचालन का विशेष महत्व है। इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का निरूपण किया है। यद्यपि मंडल सिद्धांत का संकेत हमें मनु के विचारों में भी देखने को मिलता है, लेकिन कौटिल्य ने इस मंडल सिद्धांत का विस्तृत विवेचन बताने का प्रयास किया, क्योंकि कौटिल्य का उद्देश्य तत्कालीन भारत के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक विशाल, एक मजबूत और एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करना था। इस शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने कुशल शासक की संकल्पना विजिगीषु के रूप में की। और विजिगीषु कौन? जो विजय की कामना करता है, जो राज्य का विस्तार चाहता है, जिसके पास असाधारण शक्ति, जो सम्मान और यश प्राप्त करना चाहता है, वह विजिगीषु है। विजिगीषु को न केवल शूरवीर और युद्ध में निपुण होना चाहिए, कौटिल्य यह कहता है, बल्कि उसे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उसे मित्र और शत्रु की सही सही पहचान करके उपयुक्त गठबंधन स्थापित करने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु राज्य का जो सीमावर्ती राज्य है उसका वह स्वाभाविक शत्रु होता है, और इसी तर्क के अनुसार शत्रु राज्य का जो सीमावर्ती राज्य है वह उस राज्य का शत्रु होता है। तो शत्रु का शत्रु उसका मित्र होता है, और जो राज्य विजिगीषु और उसके शत्रु दोनों की सीमाओं से लगा हो, दोनों की बाउंड्री से लगा हो, वह उनमें से किसी का शत्रु या किसी का मित्र भी हो सकता है, उसे उसने मध्यम राज्य कहा है। वह इन दोनों में से किसी एक पक्ष के साथ संधि कर भी सकता है, उसकी इच्छा पर है, और संधि को वो तोड़ भी सकता। फिर जो राज्य विजिगीषु और उसके शत्रु की सीमाओं से परे हों, जो राज्य विजिगीषु और उसकी शत्रु की सीमा से परे हों, वह ना तो स्वभावतः इन दोनों में से किसी का शत्रु होता है और ना इन दोनों में से किसी का मित्र होता है। तो ऐसे राज्य को कौटिल्य ने उदासीन राज्य कहा है। वह अपनी इच्छा या अपने विवेक में किसी भी राज्य के साथ संधि कर सकता है, तोड़ सकता, बिल्कुल उदासीन। इस तरह विजिगीषु उसके मित्र, शत्रु, मध्यम और उदासीन के संयोग से चार समूहों का निर्माण करता है। यानी विजिगीषु, उसका मित्र, उसका शत्रु, मध्यम और उदासीन, इन सब से मिलाकर चार समूह या मंडलों का निर्माण करता है कौटिल्य। जिसे प्रथम मंडल, प्रथम मंडल में स्वयं विजिगीषु है, उसका मित्र है और उसके मित्र का मित्र है। एक मंडल में तीन राज्य। दूसरा मंडल जिसे विजिगीषु का शत्रु, शत्रु का मित्र और शत्रु के मित्र का मित्र, दूसरा मंडल तैयार हुआ। तीसरा मंडल, इसमें मध्यम, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र। चौथा मंडल, इसमें उदासीन, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र। इन चारों मंडलों के संयोग से एक बड़े राजमंडल की रचना होती है। और चूंकि प्रत्येक मंडल में तीन तीन राज्य आए, तो इसलिए वृहत मंडल में 12 राज्य आ गए। यानी चार तो मंडल और चार मंडल में, एक एक मंडल में तीन तीन राज्य, तो कितने हो गए? इन 12 राज्यों को राज्य की प्रकृतियां कहा। अब राज्य के सप्तांग सिद्धांत में, जैसा कि हम देख चुके हैं, राज्य के सात अंग हैं, जिसमें स्वामी और मित्र को हमने इस वर्गीकरण में, किस वर्गीकरण में? मंडल सिद्धांत के वर्गीकरण में काउंट कर लिया। तो अब पांच जो अंग शेष रहे, जिनमें अमात्य, कोष, सेना, दुर्ग और पुर, इन्हें राज्य की उप प्रकृतियां कहा गया। इस तरह इस वृहत राजमंडल में 12 तो राज्य प्रकृतियां हुई,
पांच पांच उप प्रकृतियां हुई, अर्थात 12 × 5 इज इक्वल टू 60, 60 उप प्रकृतियां, और 60 उप प्रकृतियां को मिलाकर 72 प्रकृतियों का समावेश होता है, अर्थात 4 मंडल 3-3 राज्य, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12, और 12 × 5 इज इक्वल टू 60, और 60 + 12 इज इक्वल टू 72, यानी 72 प्रकृतियों का समावेश कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में किया है। कौटिल्य ने राज्यों को शिक्षा दी है कि विजिगीषु को हमेशा सब मंडलों की सही सही पहचान करके एक उपयुक्त बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहिए, जिससे कि उसके शत्रुओं और उसके सहायकों की सम्मिलित शक्ति उसकी अपनी और अपने सहायकों की शक्ति से आगे न बढ़ पाए। राज्य की नीति का उद्देश्य शक्ति और संपन्नता अर्जित करना है। कौटिल्य ने 3 तरह की शक्तियां और उनसे जुड़ी हुई सिद्धियों की पहचान की है अर्थशास्त्र में, जैसे मंत्र शक्ति, यह विजिगीषु के ज्ञान और सूझबूझ पर आश्रित है, यानी कि विजिगीषु जो राजा है वो कितना नॉलेजेबल है, उसमें कितना ज्ञान है, उसमें कितनी सूझबूझ है, यह उसकी मंत्र शक्ति। दूसरा प्रभु शक्ति, यह उसके कोष और सैन्य बल पर आश्रित है, राजा के पास कोष और सेना का क्या स्थिति है उस पर आश्रित है उसकी प्रभु शक्ति। तीसरा उत्साह शक्ति, कितना करेज है, कितना मॉरल है, यह उसके पराक्रम साहस और मनोबल पर आश्रित है। विजिगीषु की इन तीनों प्रकार की शक्तियां और उनसे जुड़ी हुई सिद्धियों के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहिए। कौटिल्य विजिगीषु को कह रहा है, यह आदेश दे रहा है, निर्देशित कर रहा है कि वह इन सिद्धियों के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करे और उसे लोक परलोक में, जिससे कि उसे अखंड शक्ति प्राप्त रहे, उसे हमेशा लोग याद करें। जहां तक कौटिल्य के कूटनीति और राज्य शिल्प का प्रश्न है, कौटिल्य को राजनीतिक चिंतन में कूटनीति और राज्य शिल्प की नींव भौगोलिक और आर्थिक तत्वों के आधार पर रखी गई है। कौटिल्य के 4 साधन या 4 उपाय हैं जो राज्य की रक्षा के लिए बहुत अधिक प्रभावशाली दिखाई देते हैं, जिनमें साम यानी शांति की संधि, अर्थात अपने से अधिक शक्तिशाली राजा के प्रति यही नीति उपयुक्त है, शांति की नीति। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि अधिक शक्तिशाली राजा से युद्ध मोल लेकर अपना सर्वनाश ही किया जा सकता है, हित नहीं किया जा सकता। इसी राज्य को हमेशा किसकी कोशिश करनी चाहिए, शांति की नीति अपनाने की। दूसरा दाम अर्थात धन देकर अपने से शक्तिशाली राजा को संतुष्ट करने का तरीका, ताकि वह आक्रमण के लिए तत्पर ना हो सके। तीसरा उपाय या तीसरा साधन दंड अर्थात बल प्रयोग, फोर्स के द्वारा अपने से निर्बल राजा से युद्ध करके या उस पर दबाव डालकर अपना आधिपत्य कायम करने की नीति स्थापित करना। एंड में, अंत में जो उपाय है वह भय, अर्थात आसपास के राज्यों के बीच आपस में फूट डालने की नीति, ताकि वे आपस में ही उलझे रहें और एक दूसरे की शक्ति का नष्ट करते रहें और उनमें भेदन की नीति उत्पन्न हो जाए और स्वयं राजा सुखपूर्वक राज्य कर सके। साम, दान, भेद और दंड की जो 4 प्रकार की उपाय उसने स्थापित करने का प्रयास किया। इस तरह कौटिल्य ने राजनीति को साधारण नैतिकता के बंधनों से मुक्त रखा, जैसा कि पश्चिम का जो विचारक मैकियावेली, उसने अपने ग्रंथ प्रिंस में राजा को बिल्कुल नैतिकता से मुक्त रखा, यानी राजनीति का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं। कौटिल्य ने लिखा कि निर्बल राजा को साम और दान की नीति का प्रयोग करना चाहिए, जबकि बलवान राजा को दंड और भेदन की नीति से बहुत लाभ होता है, यानी जो
कमजोर राजा है उसको साम और दान का सहारा लेना चाहिए, जो बलवान और शक्तिशाली राजा है उसको दंड और वेदन की नीति अपनानी चाहिए। प्राचीन भारत की राजनीति में अधिराज्य और अधीनस्थ राज्यों के संबंधों को संचालित करने की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया है और कौटिल्य ने इसका विस्तृत विवेचन किया है कि किस प्रकार से एक राज्य दूसरे राज्य से अपने संबंधों को शांतिपूर्वक स्थापित कर सकता है और किस प्रकार से शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इसे कौटिल्य के राज्य शिल्प की कुंजी कहा जाता है, की कहा जाता है, चाबी कहा जाता है, किसकी? राज्य शिल्प की। कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का विवरण दिया है, विवेचन किया है, विश्लेषण किया है। पहला, संधि यानी शांति बनाए रखने के लिए गठबंधन बनाने की नीति। विग्रह, युद्ध करने का निर्णय। यान, युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी की नीति। आसन, उदासीनता या तटस्थता की नीति, बिल्कुल न्यूट्रल होके बैठे रहना, किसी से कोई लेना देना नहीं। संशय, अन्य राज्य का संरक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न करना, प्रयास करना। द्वैधीभाव, जब राजा से शांति की संधि करके दूसरे राजा के साथ युद्ध की नीति। एक राजा से शांति की संधि, दूसरे राजा से युद्ध करने की नीति, ये द्वैधीभाव कहलाता है। कौटिल्य के अनुसार एक बुद्धिमान राजा को इन विधियों में से अपने राज्य के कल्याण की दृष्टि से जिन्हें उपयुक्त दिखेगा उसे उसका अनुसरण करना चाहिए। राज्य का हित ही नीति का सर्वोत्तम निर्णायक होना चाहिए। कोरी वीरता या पराक्रम के प्रदर्शन के लिए किसी नीति का अनुसरण नहीं करना चाहिए, यानी जिस राज्य के लिए जो चीज उपयुक्त हो उस राज्य के राजा को उसी नीति को अपनाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार विजेता राजा को विजित देश की प्रजा के नेताओं का साथ देना चाहिए। जो राजा जीता है और जो राजा हारा है उस राज्य में रहने वाली प्रजा को उसका साथ देना चाहिए। वहाँ के रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, मेले, त्यौहार आदि को भी अपना लेना चाहिए, जिससे कि प्रजा के मन में किसी प्रकार की कोई दुख ना हो। इस प्रकार किसी देश के राजा को हराकर उसकी प्रजा को संतुष्ट करने का जो ये अस्त्र है वो कौटिल्य के राज्य शिल्प का मूल मंत्र है। इस प्रकार कौटिल्य ने अंतरराज्यीय संबंधों के संचालन के लिए मंडल सिद्धांत, जो विभिन्न उपाय और राज्य के शिल्प के रूप में जो उपाय बताए उसकी अग्रणी देन है।